सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में हमें कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में काफी अच्छा सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेलिब्रिटी को शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज के रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में अभी हमें राइट नाउ कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, जहां पे अभी ऐसा कुछ सीन है कि कोडी रोड्स पे कुछ ज़्यादा ही सेथ रॉलिंस डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि सेथ रॉलिंस अटैक कर रहे हैं और सेथ रॉलिंस अपना जो रेसलिंग का मूव यूज़ करते हैं वो मतलब आप कह सकते हो कि देते जा रहे हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स अभी पिट रहे हैं। तो आज के रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में जो हमें कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, इस मैच का कुछ यही सीन है जहां पे कोडी रोड्स पे कुछ ज़्यादा ही सेथ रॉलिंस डोमिनेट कर रहे हैं और हमें कुछ यही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो भैया देखो, आज के रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में हमें कुछ यही चीज़ देखने को मिल रहा है, जहां पे ये वाला मैच ऑफिशियल तौर पे स्टार्ट हो चुका है। बाकी लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि इस मैच का क्या रिजल्ट होता है। लेकिन अभी के लिए स्टिल ऐसा हमें सीन देखने को मिल रहा है कि कोडी रोड्स पे कुछ ज़्यादा ही सेथ रॉलिंस डोमिनेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये वाला अगर डोमिनेशन कंटिन्यू रहता है तो मे बी इस मैच का ऐसा हो सकता है कि कोडी रोड्स हार सकते हैं और सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं इस मैच को, क्योंकि इसके बाद तो हमें WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू, यानी कि प्रीमियम लाइव इवेंट, WWE तो नाम चेंज कर दिया है, प्रीमियम लाइव इवेंट हमें हेल इन अ सेल देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें हो जाए। लेकिन गाइज, अभी के लिए आज के रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में हमें ये वाला मैच देखने को मिल रहा है, और ये वाला मैच में अभी सेथ रॉलिंस ही डोमिनेट कर रहे हैं, कोडी रोड्स मार खा रहे हैं, हो सकता है कि वो बैकअप करें। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच को हो सकता है कि सेथ रॉलिंस ही जीते और वो हरा दे कोडी रोड्स को। बाकी लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ यही चीज़ है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।